पे दुल्हन के पेट और पेटी से निकला अपराध का सबूत। पूर्व से शादीशुदा होने की बात छुपाकर नए पीड़ित पति से भरण पोषण की राशि लेने वाली आरोपी दुल्हन सहित ससुर के विरुद्ध जिला कोर्ट इंदौर ने संज्ञान लेते हुए कई नाम रखने वाली आरोपी दुल्हन सहित पिता के विरुद्ध अपराध दर्ज करने दिए आदेश। मासिक धर्म का बहाना बनाकर दाम्पत्य जीवन के निर्वहन से बस्ते रहने वाली दुल्हन के पेट पर स्ट्रेच, टाके मार्क और पेटी में छिपाकर रखे सबूतों से खुली दुल्हन की पूर्व से शादीशुदा व मां होने की पोल। आरोपी दुल्हन का पिता भी अपराध में शामिल। पीड़ित पति द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध सारे दस्तावेज सबूत इकट्ठा कर वकील कृष्ण कुमार कुम्हारे माध्यम कोर्ट में दायर परिवार पर जांच पश्चात कोर्ट ने दर्ज किया अपराध। शहजाद खान ने मेरा विवाह 2017 में गुलनाज नामक युवती से हुआ था, जो चंदन नगर की निवासी है। कुछ दिन सही रहने के बाद अचानक उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लग गया। एक दिन जब वो नहा रही थी तो मैंने उसके पेट पे कुछ बड़े टाँकों के निशान देखे, तो मैंने उससे उस बारे में पूछा, तो उसने मुझे किसी नस का ऑपरेशन करके उसने मुझे टाल दिया। लेकिन मुझे शंका हुई तो मैंने आस पड़ोसी और उसके मायके वाले पक्ष के रिश्तेदारों से पता करा, तो मुझे यह ज्ञात हुआ कि ये पूर्व में शादीशुदा है। और इसलिए फिर मैं पूर्व में इसका जो पति था उसके बारे में मैंने जानकारी निकाली। मैं जलगांव गया, वहाँ पे मैंने उससे बात करी, उसका वीडियो बना के जो भी है मैंने जिला कोर्ट में आके दाखिल करा। फिर उसके बाद उसकी पेटी में मुझे एक तलाकनामा, इकरारनामा टाइप का मिला है, जो कि कच्चा चिट्ठा था। उसके बेस पे उसने उससे तलाक लिया था। ये इसके अंतर्गत शहजाद खान निवासी आजम नगर पीड़ित थे। इनका विवाह सन 2017 में चंदन नगर निवासी अनवर कलकत्ता की बेटी गुलनाज से हुआ था। शादी के बाद से गुलनाज दिन बिन दिन घर से घर पे बगैर बताए ससुराल जनों को गायब रहती थी। इनके द्वारा जब पूछताछ की गई तो वो आपत्ति दर्ज करने लग गई, विरोध करने लगी। इसी दौरान इन्होंने एक दिन गुलनाज को नहाने के दौरान ये पाया कि उसके पेट के ऊपर बर्थ स्ट्रेच मार्क है, जो कि किसी ऑपरेशन के सीजर स्ट्रेच मार्क दिख रहे हैं। इन्होंने पूछा तो पूछने के दौरान उसने बहाना बनाते हुए बोला है कि मेरे नस का ऑपरेशन हुआ, उसके ये सीजर मार्क है, ऐसा करके बात को टाल दिया। इस दौरान वो पति पत्नी के संबंध स्थापित करने को लेकर भी स्त्रियों की समस्या बताकर बात को टालने लग जाती थी। इन सब चीज़ों को लेकर इनको जब उस पर शक हुआ तो उसने जब पीड़ित ने जानकारी निकाली तो ये पता चला कि इसका नाम, ये कई नाम रखती, जिसमें इसका एक नाम गुलनाज है उर्फ फातिमा उर्फ नाज करके है, और ये पूर्व से भी कई बार निकाह शुदा है। इन सब चीज़ों को लेकर इसको पता चला कि इमरान नामक युवक से महाराष्ट्र जलगांव जिला जलगांव में भी पूर्व से शादीशुदा है। जब ये वहाँ गए, वहाँ जाके पूछताछ करी और जांच पड़ताल निकली, तो वो व्यक्ति जिससे पूर्व से इसके पति है और जिससे इसका तलाक नहीं है, वो व्यक्ति मिला उससे। इन्होंने चोरी छुपे उससे बातचीत में पूरे सबूत इकट्ठे करे, वो मोबाइल से वीडियो बना के इंदौर लाए, और जब उसकी पेटी की छानबीन करते उसके कपड़ों की पेटी में एक सबूत मिला जिसमें उसके उस इमरान से शादी और तलाक के कागज थे। तलाक के कागज नॉर्मल एक कच्चे चिट्ठे के रूप में लिखे हुए थे। इन सब कागजों की जानकारी जब आरोपी उसको गुलनाज को पता चला कि इनको मेरे पूरे ये करतूतें पता चल गई है, तो उन्होंने आरोपी अपने पीड़ित के ऊपर भरण पोषण की मांग को लेकर दबाव डालना शुरू करने लगे, उसको झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगे। इन सब चीज़ों को लेकर पीड़ित ने जब पुलिस में शिकायत करी तो दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, ना ही बयान लिए।